देखो इस मुल्क की इस तो बड़ी की मतलब बुरे दिन नसीबे बद नसीबी देख सकते हैं कि एक नायल शख्स गद्दारे खत्मे नबूवत कातिले ना शहीदे नामों से रिसालत और जनाब खत्मे नबूवत के अंदर तरमीम की थी और जो कुछ बन पाया वो तरमीम की थी। मुल्क का गद्दार वतन का गद्दार मोदी का यार जंगल का यार उसको जाके पूछा जा रहा है मुल्क के अंदर इलेक्शन कराइए कि ना कराइए। फिर तुसी कहंदे हो साड़ी वफादारी मशकूक ना करो सानू सियासत के अंदर ना घसीटो। ये पूछा तो जाएगा ना कि जिन्होंने तुसी सीट पे बिठाया वो किस तरह चले गए उस शख्स को पूछन कि ओ माई बाप है पाकिस्तान का ओ मामा लगदा पाकिस्तान का उन्हें कश्मीर आजाद कराया उन्हें कारगिल की जंग लड़ी उन्हें नामू से इंसानत 295 सीधे पहरा दिता उन्हें की किया उन्हें कुछ भी नहीं किया उसने इस मुल्क को लुट के खाता और उस शख्स को मशवरा किया जा रहा कि इलेक्शन कराइए ना कराइए और वो उतो बैठ के हुकूमत चलाएगा। वैसे डुब मरण का मकाम है सारे वास्ते और पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए कि अजे थोड़े दिल चो इस बछड़े की मापत निकली नहीं दिन आएगा 70 साल हो गए। एक उठता कहता जी रोटी कपड़ा मकान दूसरा उठता कहता जी मैं जनाब तरक्की लियावांगा तीसरा उठता कहता जी मैं तब्दीली लियावांगा। सारे आसमान ही बैठे की किस चीज का तुहानू इंतजार है कोई आसमान तो चीज उतरेगी तुहाडा वतन संवारेगी तुहाडी इज्जत का ख्याल रखेगी तुहाडे आका मौला दी हुरमत दे उत्ते पहरा देगी कौन किहड़ी हुकूमत आएगी। ओ एक कोई है कहने ना अमरीका नु जवाब मैं गारंटी नाल कहना इस मुल्क दे ओदे उत्ते बैठे किसी शख्स की जरूरत नहीं क्यों अमरीका दी अखां विच हाथ पा के गल कर सके और रशिया दी अखां विच हाथ पा के गल कर सके और चाइना दी अखां विच हाथ पा के गल कर सके क्योंकि तुसी सारे सूद खोर हो तुसी पूरे मुल्क की मईशत सूद उत्ते चला रहे हो। ते जिसने रब रसूल नाल जंग लाई होवे ओ सोच सकदा कि ओ कदी फतह पा सकदा ओ सोच सकदा उसकी मईशत ठीक हो सकती वो सोच सकता इस मुल्क के अंदर अमन कायम हो सकता जिसकी रब रसूल नाल जंग होवे और किवें कह सकता कि इस मुल्क के अंदर ठीक हो सकता। इस मुल्क के अंदर अगर आज भी माशी हालात ठीक हो सकते हैं तो उसे फार्मूले ना हो सकते हैं जड़ा अमीरुल मुजाहिदीन देकर गए क्यों भाई वो भाई जड़ा थोड़ा कर्जा बनता वो चुको तो सूद साढ़े कोई नहीं जे तुम सूद का 1 रुपया भी खाते हो वफाकी शरी अदालत ने फैसला दिता कि 5 साल सूद 5 साल के अंदर सूद खत्म करो और अल्लाह के बंदे हो जे मुल्की साजिश हो जाए रात में अदालत लग सकती है ते सूद एक 10 दिन के अंदर 5 दिन के अंदर बल्कि 5 मिनट के अंदर क्यों नहीं खत्म हो सकता एक लम्हे के अंदर क्यों नहीं खत्म हो सकता। इस वास्ते के तुहाडी नीयत कोई नहीं तुसी सारे सूद के उत्ते पले हुए हो और जिसकी रगा में हराम दौड़ दवे वह तो कभी बातें लगे खलो ही नहीं सकता पक्की लिखी पड़ी गल है कि जिसकी रगा में हराम दौड़ता हो और सूद की शक्ल हो और रिश्वत की शक्ल हो बद्या वो जनाब बदउनवानी की शक्ल हो किसी शक्ल जिसकी रगा में हराम दौड़ता जड़ा हराम खांदा आराम सौंदा आराम लेटता आराम सफर करता आराम बैठता आराम उठता वह कभी बातिल का मुकाबला नहीं कर सकता। बातिल का मुकाबला वही कर सकता मुहम्मद अरबी का फकीर जिसनों ना खाने की परवाह है ना पहनने की परवाह है ना जनाब किसी जालिम की परवाह है बल्कि वह हर मकाम से खड़े हो गया था कि सितमगर इधर आ होने ना आजमाए